गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही है माता जी। ये देखिए, सुबह सुबह उठ के आ चुकी है मेरे रूम पे उठाने के लिए। क्या बोलने, बर्तन नहीं धोए, सब्जी नहीं बनाई, सब्जी नहीं लेके आए। और क्या ऑर्डर थे आपके? नाश्ता, तो नाश्ता तो बता दिया। उसके बाद 7:30 हो रहे हैं। सुबह 7:30 बजे नाश्ता कर लोगे आप लोग? मॉम तो कर लेंगे। ये बहुत भूखी हो रही है भाई, बहुत टाइम पता। मुझे सुबह सुबह ताऊ जी भी आ गए यार। मैं ताऊ जी के साथ जाना था लेकिन वो सुबह सुबह आ गए, तो फिर कोई बात नहीं, हम शाम को जाएंगे। दिन में नहीं जाती मैं, दिन के टाइम भी नहीं जाती, धूप लगी रहती ना। वैसे तो अभी तो धूप है नहीं, आजकल धूप नहीं निकलती है। तो ये रहे हमारे ताऊ जी, सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हो आप? क्या किया? अच्छा, इधर आके बोलो। क्या बोला आपने? पहले एक्सरसाइज की ताऊ जी कब खेत में भी आ गए हमारे। पहले क्या किया? एक्सरसाइज और व्यायाम। और आप खेत में आ गए, सफाई कर रहे हैं हमारे खेत। जोर से बोला करो ना, हमारे खेत की सफाई कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही भाई। मैं जाती नहीं हूँ शाम को, जाती है काटती नहीं हूँ मैं। व्लॉग में नहीं दिखा दी हर चीज को, थोड़ी व्लॉग में दिखाऊंगी कि हाँ भाई मैं ये कर रही। सब लोग बोलेंगे बस ये खुद ही करती है और कोई कुछ करता नहीं, इसलिए मुझे ऐसा है कि दूसरों को भी। पानी चाय पूछना है, तैयार हो? मैं बाहर ताऊ जी ताई पूछ लेती है मुझसे। ये सही बोला आपने, आज शाम को चाय पियेंगे। ठीक है आपको नहीं देंगे, ताऊ जी और मैं पियेंगे। जो खेत में काम करेगा वही तो पिएगा। ठीक है, ओके चलो मैं चलती हूँ अभी, सब्जी लेके आती हूँ। सब्जी नहीं है ना मम्मी? जा रही ना, आज व्रत रखो। व्रत नहीं, तू रख देगी? व्रत फास्ट रख लो ना प्लीज। एक दिन का फास्ट रख, मैंने रख पाते नहीं, रख लो प्लीज। मैंने भगवान जी के लिए हाथ जोड़ के, मैंने लेके भगवान जी पर नहीं नहीं ले लो, ढूंढने कहानी हो गई ना। नहीं 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 लोगे आप, असमर्थ नहीं आप व्रत लोगे आज? नहीं आज से आपका व्रत, शुक्रवार का व्रत लेते हो ना, ले लो यार प्लीज प्लीज। हाँ तो प्लीज ले लो ना, व्रत ले लो। पहले व्रत लोगे? व्रत लोगे आप? चूटी काट रही मेरे को देख रहा हूँ मैं। साथ देख लिया, चूटी देनी होगी मुझे। चूटी नहीं देने, मैं बातें बना रहे यहाँ पे बैठ बैठ के बस। कौन सी बातें? बने जब बाहर जा काम करने का भाई, 7:30 हो रहा है भाई। 7:30 लोग तो दिक्कत करो काम करो, 7:30 लोग हमारा 7:30 है, लोग 4 बजे काम पर लग जाओ, पता नहीं थे। तो रो क्यों रही थी जब मैं डांस कर रही थी? मुझे ये नहीं बताया तूने कल के व्लॉग। मेरे को रोने दे, मेरे को हंसने दे बस। क्यों? मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी तो कदी की होती है। मेरा शरीर है, मैं कुछ भी करूँ। मर्जी तो कदी की होती है, मर्जी मुझे। आप गदी हो? क्या हो? मेरा हुआ है ना। आप क्या हो पहले बताओ? इंसान हूँ और क्या हो? इंसान हो निकलो। ये देखो छुट्टी काट रहे हैं। मैं अम्मू को पाना था करने में छोटी, मैंने ऐसे दर्द दे लाएंगे तो मैं भी दर्द दे लाऊंगे। मैं तो एक्सरसाइज करवा रही हूँ आपको। बिल्कुल एक्सरसाइज तो होगी तैयार। आप इतनी ठंडी क्यों हो रही? क्यों? मैं उधर डमोर है ना, पानी तर तर था। कौन सा पानी? वॉशरूम गए थे क्या? पूरे कपड़े गीले हो गए थे हाथ लगा। तो क्या करे, अंकित कुछ बोल ही नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? थोड़ा को ठो दो ना अंदर है बस। मोटा सा कपड़ा लो, ठो दो सो बस। बंद तो ऊपर का पानी टपक रहा है ना। हाँ तो फिर निखानो ये फंदर।
सुन लो फिर वही तो हो जाएगा जैसे पानी का कपड़ा डाले नहीं हो रहा ना उससे पानी टपक ही रहा है दिया वो तुम्हारा पुरानी फिटिंग है इसलिए नहीं हो रही है सब चीज नया नहीं करा तुमने सब चीज नया वो तो कर रहा हूँ बहुत नूंग चुपिर नूंग चुपिर चलो गुड मॉर्निंग बोलो सुप्रभात बोलो अब बोला मैं बोलो प्लीज गुड मॉर्निंग बोलो सुप्रभात हाथ जोड़ चलो बोलो गुड मॉर्निंग सुप्रभात नमस्कार तो ब्लॉग के शुरुआत करे सोनम काली और आप गोरी हो गोरी हूँ चलिए तो हम कहाँ जाए अब चल दे सीधे और कर दो बता दी कहीं जाना मनो ना ते मर चल दे ए मैं बता दी मैं बता कर गा जवाब चल दे ना ना और कुछ और कलाल कटे जाओ कर दो मैं आप सुनूं क्या लड़ा कुन ए मैं आप सुनूं दो पढ़ सोना मैंने कर ये देख लो किस पोजीशन में लेटी हुई है हाथ हमेशा ऐसे ही रहते हैं हाँ इसको नीचे नहीं रखेगी बिल्कुल नहीं अभी रख रही है मेरे बोलने पे नहीं तो फिर वैसे ही रख देगी पापा का फोन आ रहा था यार मम्मी तभी मैंने स्वेटर पहन लिया क्योंकि ठंड लग रही है और धूप ना आई तो है लेकिन बहुत कम आई है तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे दादाजी क्या आ रही लेकिन दादाजी सो रखे हैं मेरा ध्यान वहां चला जाता है जब दादाजी की थोड़ी सी भी कुनकुनाहट भी सुनते ना तो मैं यहाँ पे खड़ी होके देखती जरूर हूँ तो जब भी मतलब आवाज आती है उनके तब तो आज जो है दीपावली की सारी तैयारी तो मैं सारी तो नहीं बोल सकती लेकिन एक एक करके रूम साफ करना है मुझे तो फर्स्ट इस रूम को साफ करना है आज मुझे यही वाला रूम साफ करना है फिर एक एक करके धीरे धीरे करके सारी चीजें साफ करेंगे अभी फिलहाल इस वाले रूम की सफाई क्या करना है वो बता देती हूँ तो यहाँ पे अभी खैर मैं सो के उठी थी थोड़ी देर पहले क्या आज तो मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ कितने बजे के आसपास उठी थी मैं 7 बजे या 6:30 बजे के आसपास उठ गई थी तो इसलिए अभी तक फोल्ड नहीं किया ये ऐसी है और पंखा मैं चलाती नहीं हूँ लेकिन इसको भी साफ करना है देख रहे हो भी कुछ टाइम पहले ही साफ किया लेकिन फिर गंदगी हो गई इसमें और ये पूरे जो शूज है ना इनको ढंग से एक जगह एक किनारे कर देते हैं जो चाहिए होते हैं उनको रखूंगी आगे आगे ताकि निकालने में इजी हो जाए इधर साइड कर दूंगी जब तक सूरैक नहीं आता ये सूरैक तो बाद में ही मंगाएंगे फिलहाल तो ऐसे ही रखेंगे इधर साइड रख देंगे अच्छे से कर देंगे यहाँ ये वाला रूम साफ करना है मुझे रूम को घुमाना फिराना कुछ नहीं है मतलब कि मैं हमेशा क्या करती हूँ कि चेंज कर देती हूँ रूम का मतलब कुछ कभी ये बेड खिसका के इधर कर देती तो ऐसा कुछ नहीं करूंगी बस चीजें वहीं रहेंगी बस साफ सफाई में तो चलिए सफाई करते हैं तो आज मुझे सफाई करनी थी और आज हमारे इधर जो है ये जाला साफ करने वाला और झाड़ू वगैरह वाला आ रखा था बेचने के लिए तो मैंने सोचा कि चलो सफाई हो ही रही है तो ये देखो जाले भी निकाल दिए मैंने इसमें कितने जाले हो रहे हैं ये खैर पंखे साफ किए ये 2 दिन मैं बता रही थी ना पंखे साफ करते फिर तुरंत धूल इकट्ठा हो जाती है तो अभी ये वाला रूम देख लीजिए आप कैसा कैसा हो रखा है अभी सारा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लग रहा है अभी जो है घर का जो है साफ सफाई का अभियान जो है स्टार्ट हो चुका है और दीपावली के बहाने ही सही लेकिन घर की पूरी सफाई अच्छे से हो जाती है तो अभी सिर्फ मैं एक ही रूम में सफाई कर रही हूँ वो है यही वाला रूम बाकी दूसरे रूम में मैंने जैसे कि बताया आपको कि एक एक करके ही रूम साफ करूँगी वैसे तो हमारे 2 ही रूम हैं इतना में मतलब एक ही दिन में हो सकता है लेकिन अगर तुम्हें डीप करना है तो फिर तो एक दिन एक रूम में तो चाहिए ही तो पूरा मतलब लगभग 1 बज गए थे फिर खाने का टाइम हो जाता है वही खाना बनाने का टाइम तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट करके यही वाला रूम साफ़ कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे शूज़ ऊपर ही रखे हुए हैं नीचे इसलिए नहीं रखे हुए क्योंकि हमें ना 2-3 चूहे दिखे थे यहाँ पे वो खैर हमने पकड़ के मारा तो नहीं उनको कहीं छोड़ के आ गए थे बहुत दूर लेकिन ये है कि मारना मतलब हम नहीं मार सकते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि सोफ़े भी कुछ थोड़ा बहुत हमारे ख़राब कर दिए हैं और शूज़ का भी हमें डर लग रहा था कहीं शूज़ ना खा जाए सारे क्योंकि 1-2 शूज़ तो भाई के हैं कुछ पापा के भी हैं इसमें 1-2 होगा शायद और भाई के भी हैं 2-3 शूज़ तो सी के पड़े हुए हैं वो अलग अलग करके चेंज करके ले जाता रहता है क्योंकि उसकी जो है एक दिन कपड़े के हैं वो शूज़ तो एक दिन धोने के लिए एक रख देता फिर दूसरे दिन दूसरा पहन के जाता है तो फिर
तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऊपर की तो मैंने सफाई कर दी है और यहाँ पे गाना ला रखा बहन ने। तो फ्रेंड्स ये मेरे नाना जी का गाना है, नाना जी ने गाया, मम्मी को देखना। तो दोस्तों काम के साथ साथ पहले मैं गाना सुनी, फिर थोड़ा सा नाची गाने में, वो तो मैंने व्लॉग में डाला नहीं है। और वही है मेरा सारा टाइम, आधे से ज़्यादा टाइम तो खैर नाचने में भी चला जाता है। बहन ने लगाए थे गाने और मैंने सुने और मैं फटाफट से जैसे गढ़वाली गाने बज रहे थे मैं डांस करने लगी, फिर उसके बाद फिर सफाई करी। तो धीरे धीरे करके सारा काम हो रहा था और अच्छा भी लग रहा था सफाई करते हुए। ऐसे ही अगर मतलब आपके अंदर उत्साह हो या फिर अच्छे से मन करे करने का काम, तो तब गाने वाने लगा दो अच्छे से, तब जाके अच्छे से सफाई हो जाती है घर की। तो इसलिए मैंने अपनी बहन को बोला कि अपने फ़ोन से कनेक्ट करके गाना भी लगा दे। तो फिर हमने गाना लगा दिए थे, स्पीकर है हमारे पास छोटा सा तो उसमें ही लगा दिया था। और अभी जो है मैं फ़ैन साफ़ कर रही हूँ, ऊपर जो स्लिप है वो तो मैंने साफ़ कर दिया था। और ये तो दोस्तों देख रहे हो फ़ैन से कितनी गंदगी निकल रही है, और अभी जो है साफ कर दिया है, और इतना इतना तो मैंने साफ कर दिया, इधर भी और ये ऊपर वाला हिस्सा भी पूरा साफ हो चुका है, यहाँ पे भी। तभी जो रहती है चादर, चादर यही रहेगी, चादर चेंज करेंगे कुछ दिन में, क्योंकि एक दो दिन में मतलब लगभग एक हफ्ते के आसपास में चादर चेंज कर लेती हूँ, लेकिन आज नहीं करूँगी क्योंकि अब दीपावली भी नज़दीक है और फिर मेरी सिस्टर भी आ जाएगी, तो उस टाइम पर ही चादर चेंज करेंगे, थोड़ा सा धुलेंगे उसको। तो यही चादर यही रहेगी कुछ दिन तक तो फिलहाल, उसके बाद चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर भी साफ सफाई करते हैं अभी। तभी जो है यहाँ पर चादर चेंज तो नहीं कर रही हूँ मैं, तो इसको हल्के से जो, वैसे तो मैं रोज़ ही इसकी सफाई करती हूँ अपने बेड की, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ मैं ही सोती हूँ, मेरी बहन बाहर वाले रूम में सोती है और मम्मी और भाई दूसरे वाले रूम में सोते हैं। तो फिर यहाँ पे मैं ही सोती हूँ, तो फिर सफाई तो मैं करती ही हूँ जब सोने से पहले भी और सोने के बाद, बोल रही सोने से पहले और जब सो के उठ जाती हूँ उसके बाद भी सफाई होती है यहाँ पर, रोज़ ही होती है क्लीन। तो यहाँ पर जो है इस रूम में बहुत ज़्यादा मुझे जाले नज़र आ रहे थे, कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे पुताई का काम हुआ था, पेंट का काम हुआ था, लेकिन फिर से जो है जाले एक एक हफ्ते में फिर लग जा रहे हैं जाले, और जाले झाड़ने वाले नहीं थे। उस दिन मैं सफाई करने के लिए बोल ही रही थी, मतलब कल सॉरी उस दिन बोल रही हूँ, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसमें। तो मैंने सफाई सोचा ही कि मैं सफाई करूँगी आज, तो जाले जो मैं जिससे जाले निकाल रही थी, तो वो भैया भी आ चुके थे वहाँ पे, जैसे झाड़ू नहीं था हमारे घर पे, झाड़ू तो था लेकिन वो टूट गया था, उसके पीछे का हिस्सा जो है वो टूट गया था। तो फिर मैंने क्या किया कि झाड़ू भी ले लिया साथ के साथ, वैसे तो मैं दीपावली के आसपास सोच रही थी, लेकिन मैंने फिर ख़रीद ही लिया, झाड़ू भी ख़रीद लिया था और दूसरा ये जाला साफ़ करने वाला भी ले लिया था। इससे क्या है कि अच्छे से घर की सफाई भी हो गई थी, मतलब जिस हिसाब से मैं चाह रही थी वो हो गया था, नहीं तो फिर झाड़ू से करने में फिर वो मज़ा नहीं है, जाले साफ़ करने वाला ही सही लगता है मुझे, तो इसलिए हमने जाला साफ़ करने वाला लिया। और ये कल के कपड़े थे जो मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। तो दोस्तों ये रूम में अभी पोछा भी लग चुका है और बिल्कुल साफ़ हो चुका है, यहाँ पे फ़ैन ऑन किया है इसलिए, क्योंकि पोछा लगाया अभी तो इसलिए साफ़ सफाई हो चुकी है यहाँ की पूरी डन। और यहाँ का एक तकिया मम्मी के रूम में है तो यहाँ ही लेके आएंगे अभी इसको। और ये देखिए पूरा रूम हो चुका है ना चकाचक, ऊपर भी लगा दिया है। एक बारी ढंग से दिखा देती हूँ, वो जो जाले का वो दिखाई दे रहा होगा ना, वो अंदर ही रखूंगी मैं, क्योंकि बाहर ये प्लास्टिक खराब हो जाता है और फिर टूट भी जाता है जल्दी से, तो इसलिए मैंने अंदर ही रखा हुआ है। दिन भर जो है काम, तो खैर मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैंने एक ही कमरा, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि मैंने सिर्फ ये वाला रूम साफ किया है, ये वाला रूम।
तो कल दूसरा वाला रूम साफ करूंगे, बगल वाला मम्मी वाला, तो उसको साफ कर देंगे, जाले वगैरह जो भी होगा वो झाड़ देंगे। और फिर उसके बाद बाहर का तो मैं करती रहती हूँ कई बार, बस किचन, एक मेन किचन को बहुत अच्छे से साफ करना है। तो व्लॉग जो है मेरा यह है कि मैं पूरे दिन का शूट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए क्योंकि पीछे जो है खेत में घास वगैरह काटने का काम है, तो फिर ताऊ जी अकेले लगे रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। सुबह के टाइम पे तो खैर वो खुद ही अकेले करते हैं, लेकिन शाम के टाइम पे मैं चली जाती हूँ क्योंकि सुबह धूप लगी रहती है, तो इसलिए मैं जाती नहीं हूँ, और शाम को ही जाती हूँ मैं उनके साथ थोड़ा बात करने के लिए। तो बहुत ज्यादा घास हो रही है हमारी, कल दिखाऊंगी मैं आपको आराम से अच्छे से कि क्या क्या चीजें हो रही है वहां पे। इतना मतलब इतना घास है, कुछ घास तो ऐसे हो रखी है बिल्कुल सड़ गल गई है, तो उसे काटने में तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है, कट नहीं रही हो तो फिर फावड़े से निकालना पड़ रहा है। तो ठीक है, फिर आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आप सभी को मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं सोना मिलती हूँ आप सभी से एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई सुबह के साथ, तब तक बाय बाय।